अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अन अकेडमी से कर सकते हैं। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी एग्जाम्स, यूजीसी, आईआईटी, नीट, यहां तक कि सीबीएसई एग्जाम्स की भी तैयारी आप अन अकेडमी से कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अन अकेडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, अपना एग्जाम चूज करना है, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन करने के बाद मैक्सिमम वैलिडिटी वाला प्लान चूज करके आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है, PMYT। PMYT अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। PMYT ये जो डिस्काउंट कोड है पूरा अन अकेडमी पर वैलिड है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका CHSL का एग्जाम बस आने ही वाला है, तो बिल्कुल तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। मैं आपके लिए लेके आई हूँ लास्ट मिनट टिप्स, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी लंबा नहीं करेंगे, देखते हैं आगे। कोई भी टिप देने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, अपना अभी अभी बैग निकालो जो कि आपको सेंटर पर लेके जाना है, और उसमें सारे ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं अभी के अभी रख लो। कोई भी आपका डॉक्यूमेंट स्किप नहीं होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट स्किप हो गया तो आपको एंट्री मिलने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए अभी के अभी सारे डॉक्यूमेंट्स रखो। जैसे कि SSC की गाइडलाइंस में दिया गया है, आपको एडमिशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, 2 लेटेस्ट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है, कलर्ड फोटोग्राफ होने चाहिए, ठीक है। साथ ही आपको ID प्रूफ लेके जाना है, ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल लेके जाना है, ये ध्यान रखना। पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, सर्विस आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कुछ भी आप लेके जा सकते हो। साथ ही अगर आपके आईडी कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन होने वाली कोई और सा सर्टिफिकेट लेके जाना है जिसपे वो मेंशन हो, जैसे कि आपका 10th क्लास की मार्कशीट हो गई, या कोई और सा भी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसपे की डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, और दोनों ही डेट ऑफ बर्थ मैच करनी चाहिए। मिसमैच हुआ तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, डेट ऑफ बर्थ जरूर मेंशन होनी चाहिए आईडी कार्ड पे। अब आपको पता है कोविड का टाइम चल रहा है, तो इसलिए फेस मास्क बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर एक स्मॉल बॉटल उसकी ले जाना, ठीक है। फिर वाटर बॉटल लेके जाना, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए वाटर बॉटल। फिर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंट आउट ऑफ COVID-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म प्रोवाइडेड विद द एडमिशन सर्टिफिकेट। आपने जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो उसके साथ ही में COVID-19 का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको प्रोवाइड किया गया है, उसको फिल करना और उसका प्रिंट आउट निकलवा के वो आपको जरूर लेके जाना है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, निकालो अभी के अभी और बैग में रख के उसे अलग रख लो, ताकि कोई भी आपका मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स देखते हैं। देखो, फर्स्ट है आपका रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, मैथ्स के आपके फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए GS के, या इंग्लिश में बात करूँ वोकैब हो गई, रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हो गए, तो वो आप ज़रूर रिवाइज करो। इस टाइम पे कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको नया दिख रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई क्वेश्चन आ रहा है या कुछ और आ रहा है, लेकिन वो कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपने जो पढ़ा है रिवीजन करो, वही बेस्ट है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। अपने आप पे भरोसा रखो, आपने जो भी पढ़ा है वो अच्छा पढ़ा है, उसी में से सब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइम मैनेजमेंट। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम आप देने जाओगे, आपने देखो मॉक्स तो लगाए होंगे, तो आपको आइडिया होगा किस टाइप से एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर को हैंडल करना है, किस टाइप से अटेम्प्ट करना है। आपने एक स्ट्रेटेजी अपनाई होगी कि मुझे पहले GS करना है या इंग्लिश करना है या मैथ्स करना है या रीजनिंग करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी सेक्शन जो आपने सोचा है उसी हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है आपको रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करना है तो वही करो, स्ट्रेटेजी पे कायम रहो अपने। और देखो, गिव प्रॉपर टाइम टू ईच सेक्शन। आपको पता है 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है, और चारों का वेटेज सेम होता है, तो हर सेक्शन को प्रॉपर टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही सेक्शन पर अटक गए, सारा टाइम आपने उसी में निकाल दिया, बाकी 3 के लिए टाइम ही नहीं बचा, ठीक है। प्रॉपर टाइम देना है क्योंकि हर एक का वेटेज तो सेम है, तो इसीलिए अटेम्प्ट सेक्शन इन ऑर्डर एज पर योर स्ट्रेटेजी। आपने जो भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है कि मुझे इंग्लिश अटेम्प्ट करना है पहले या मैथ्स अटेम्प्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम करो। मेंटेन स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी। अब देखो, स्पीड मेंटेन करनी है, किसी भी क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। हर क्वेश्चन आपको 2 नंबर ही दिलाएगा, इसलिए किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके बजाय नहीं आ रहा है, स्किप करो, दूसरा क्वेश्चन करो, ठीक है। और एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, ठीक है, तुक्के नहीं लगाने हैं, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्मार्ट स्ट्रेटेजी। देखो, आपको स्ट्रेटेजी स्मार्ट रखनी है अपनी, क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है, कोई भी स्मॉलेस्ट मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ते वक्त, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम हॉल में आपके पास प्रेशर इतना होता है कि आप क्वेश्चन में कभी कभी स्किप कर देते हो कुछ पढ़ना, या फिर कुछ और पढ़ लेते हो, तो क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है कि अगर प्लस है आपने उसको डिवाइड देख लिया, ये डिवाइड है उसको प्लस देख लिया, या कुछ पढ़ने से रह गया, तो ऐसी सिली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। पैनिक नहीं होना एग्जाम हॉल में, जो पढ़ा है आपने उसी के अकॉर्डिंग वर्क करो, ठीक है। अब देखो,
रीच द सेंटर टाइमली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप किसी दूसरे शहर में जाके पेपर दे रहे हो या अपने भी शहर में हो, तो एक दिन पहले जाके एग्जाम सेंटर देखाओ, लोकेशन क्या है उसकी, तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको अपने घर से वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप घर से निकल सकते हो। अदरवाइज अगर सेम डे भी जा रहे हो, पहले नहीं जा पाए हो, तो आप टाइम लेके जाओ, जो टाइम है उससे काफी टाइम पहले आप घर से निकल जाओ, ताकि सेंटर ढूंढने में अगर टाइम लग भी गया तो भी आप सेंटर टाइम पे पहुंच जाओगे, या फिर ट्रैफिक जाम मिल गया या कुछ भी हो गया तो आपको डिले नहीं होगा सेंटर पे पहुंचने पे। और आपको पता है, अगर आप सेंटर पे थोड़ा सा भी लेट पहुंचे, 1 मिनट भी अगर लेट हो गए, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, इससे आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है, रीच द सेंटर प्रायर टू टाइम, ठीक है भाई। चलो अब देखो, हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव नहीं है ना, तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल भी नहीं आने देना है। स्ट्रेस तो देखो बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपने अभी तक पढ़ा है ना, पढ़ा है तो एग्जाम भी अच्छा होगा, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि यार एग्जाम कैसा होगा, कैसे जाएगा, देखा जाएगा जैसा होगा। अभी तक मेहनत करी है तो आगे भी अच्छा ही होगा। कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस के साथ ही पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आप शुरू में कॉन्फिडेंस लूज कर गए, तो आपका बाकी पेपर भी अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है, ठीक है, जंक फूड को अवॉइड करना, नींद पूरी लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप रात भर जग रहे हो या फिर केवल 2 घंटे की नींद ले रहे हो, 3 घंटे की नींद ले रहे हो, इससे एग्जाम हॉल में प्रेशर बढ़ेगा आप पे, और एग्जाम हॉल में भी नींद आ सकती है। तो नींद प्रॉपर लेना अपना, ठीक है। ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नो मोर देन यू थिंक यू डू, ठीक है भाई। अपने आप पे विश्वास रखो, जो आपने पढ़ा है, अब तक जितनी मेहनत करी है, सब अच्छा होगा, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। स्ट्रेस नहीं लेना है, अपना अच्छा दो, अपना 100% दो, बाकी सब भूल जाओ, देखा जाएगा जो होगा, अपना बेस्ट दो, ठीक है भाई। चलो अब देखो, अगर आप अनअकैडमी प्लस पे तैयारी करना चाहते हो किसी भी एग्जाम की, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवेज, तो आपको PMYT डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है। सबकी तैयारी के लिए अनअकैडमी प्लस बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको अगर एसएससी की बात करें तो जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सब कुछ, सारा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। आपको 100+ एजुकेटर्स मिल जाएंगे, 50+ बैचेस मिल जाएंगे, 3000+ आवर्स मिल जाएंगे, 50+ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सभी आपको एक ही सिंगल प्लान में मिल जाएंगे। सारे ही टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज, चाहे वो वाईफाई स्टडी की फुल टीम हो गई, प्रतियोगिता मंत्रा की फुल टीम हो गई, अभिना सर हो गए, सभी के कोर्सेज आपको सिंगल प्लान में मिल जाएंगे। किसी के लिए भी कुछ भी अलग से पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको केवल PMYT डिस्काउंट कोड याद रखना है, ये अप्लाई करना है, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, मैं सजेस्ट करूंगी आपको 24 मंथ्स का प्लान लें आप। क्यों? क्योंकि देखो, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स में केवल 1000 रुपीज का डिफरेंस है, लेकिन आपकी 12 मंथ्स की वैलिडिटी ज्यादा हो रही है, सबसे ज्यादा ऑफ आपको इसी पे मिल रहा है, ठीक है। तो आप 5832 में 24 मंथ्स का प्लान ले सकते हो। इसमें आपकी लाइव क्लासेस, क्लास रिकॉर्डिंग्स, मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, क्विजेस, क्लास PDF, डाउट क्लासेस, सभी इंक्लूडेड होगी। किसी के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अनअकैडमी प्लस पर सब मिल जाएगा आपको। आपको क्या करना है, केवल PMYT रेफरल कोड अप्लाई करना है, क्रेडिट्स को रिडीम करना है, फिर आपका ये 5832 का प्लान पड़ जाएगा। PMYT को जरूर अप्लाई कर देना, बिल्कुल मत भूलना, डिस्काउंट की कोई चिंता ही नहीं करनी है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब वीडियो को एंड करते हैं, एट द लास्ट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।